हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डाइट एडमिशन के लिए जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ मैं आपको PDF भी शो करूँगा जिसमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी। ठीक है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो जो वहाँ पर रिक्वायर होंगे आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स है जो दिल्ली डाइट एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी मान लीजिए आपका नाम किसी डाइट में आता है, जैसे कि मोतीबाग डाइट में आपका नाम आया, गवर्नमेंट डाइट है ये, और वहाँ पर आपको एडमिशन के समय बहुत कम टाइम मिलता है और आप अपने डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट्स जो है अभी से अपने कैरी कर लें। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट कैरी करनी है। ठीक है, ये आपको 10th क्लास की मार्कशीट दिखाई दे रही होगी और ये CBSE की मार्कशीट है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी मार्कशीट हो सकता है अलग हो। और इसको क्या करना है, आपको दो सेट फोटोकॉपी करवा लेनी है, मतलब दो दो फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके आगे आपको 12th क्लास की मार्कशीट लेनी है। ठीक है, ये 12th क्लास की CBSE की मार्कशीट है और इसके भी आपको क्या करना है, दो सेट फोटोकॉपी करवा लेनी है। मार्कशीट के साथ आपका वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है स्कूल में। अगर आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो आप डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर में अपने फ़ोन नंबर और आधार कार्ड से लॉगिन कर लेंगे और उसमें जो है आप 12th क्लास की मार्कशीट और प्लस में सर्टिफिकेट जिसपे आपके सब्जेक्ट वगैरह लिखे रहते हैं, अभी मैं PDF शो करूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि सर्टिफिकेट किस प्रकार से होता है और मार्कशीट किस प्रकार की होती है। तो दोनों को क्या करना है, आपको दोनों की दो दो फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके आगे अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपने SC ST का जो है सर्टिफिकेट के लिए यस किया है, ठीक है, तो उसको भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये लेटेस्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर लेटेस्ट नहीं होता है ना तो हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है इस चक्कर में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इसको ओरिजिनल और प्लस में दो फोटोकॉपी इसकी भी करवा के आपको रख लेनी है। आगे है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है 2 पेजों का, उसको आपको अपने साथ कैरी कर लेना, जिसमें आपका पूरा डिटेल होगा कि आपने जो है कब फॉर्म फिलअप किया था। इसको भी क्या करना है, आपको दो सेट क्या करना है, फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, आगे है आपका फीस स्लिप। फीस स्लिप मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो 250 रुपये पे किए होंगे, वो तो आपका हो गया रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन अब आपका मान लीजिए किसी डाइट में नाम आया है तो उस डाइट में एनरोल होने के लिए, उस डाइट में एडमिशन लेने के लिए जो है आपको 1800 रुपये फीस और पे करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका मोतीबाग में नाम आया डाइट में, तो उस डाइट में जो है एडमिशन लेने के लिए आपको 1800 रुपये पहले पे करने होंगे और उसकी स्लिप निकलवानी होगी। तो जब आप साइबर कैफे पे जाएंगे ना तो वो आपकी ID और पासवर्ड से लॉगिन करेगा आपके फॉर्म को, और वहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा कि आपका जो है किस डाइट में नाम अभी आया है, तो वहाँ से आपका जो है ये फीस आपकी आप पे करेंगे 1800 रुपये और उसकी स्लिप भी निकलवा लेंगे। तो स्लिप में आपका 1800 रुपये और 250 रुपये जो पहले आपने पे करे दोनों साथ में इंक्लूड होके प्रिंट आउट निकलेगा, तो उसकी भी इमेज मैं आपको अभी PDF में दिखाऊंगा। ठीक है, और इसकी आपको क्या करना है, दो सेट फोटोकॉपी करवानी है। इसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका मोतीबाग डाइट इंस्टीट्यूट में नाम आया, वो आपकी जो है लॉगिन ID में एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर की तरह जो है PDF सेंड कर देते हैं, तो वो आप तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आप लॉगिन करेंगे। तो उसको भी क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है और उसकी दो है दो सेट ऑफ फोटोकॉपी करवा लेनी है। याद रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स की दो सेट फोटोकॉपी जरूरी है एडमिशन के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दो पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है।
और कई बार जो है इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग, जैसे मोतीबाग इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन हो रहा था मेरे सिस्टर का, तो उन्होंने जो है मदर एंड फादर की दो दो फोटोकॉपी मांगी थी। तो वहाँ पर परेशानी हो जाती है कि अब जो है हम कहाँ से फोटो मतलब निकलवा के लेके आए। तो उसको भी कैरी कर लेना आप, मदर एंड फादर की दो दो फोटो, ठीक है? याद रखिएगा, ये डिटेल में वीडियो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। आगे है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, MBBS डॉक्टर का चाहिए होता है, और उसके साथ जो है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो खुद ही रिकमेंड करते हैं कि हमें जो है किस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये लाइनें लीजिए और इसको क्या कीजिए, एक खाली पेज पे लिखवाइए, मतलब प्रिंट आउट के रूप में निकलवाइए, उसके बाद डॉक्टर से तब जाके साइन करवाइए। और इसके लिए जो है प्रोविजन आपका प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है? तो MBBS डॉक्टर के द्वारा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाएंगे आप, ठीक है, जैसा कि कॉलेज बताएंगे कि किस प्रकार से आपको निकलवाना है, और उसकी दो है दो फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। सबसे पहले आपका है ये 10th क्लास की मार्कशीट, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से 10th क्लास की मार्कशीट होती है, तो उसको आप कैरी करेंगे। इसके बाद है आपका ये 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, ये CBSE की मार्कशीट है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, कैरी करेंगे, और इसकी दो फोटोकॉपी भी अपने पास रखेंगे। ये है 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, तो सर्टिफिकेट भी आपको कैरी कर लेना है। सर्टिफिकेट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस पे सब्जेक्ट वगैरह लिखे होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो है 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस किए हुए थे, ठीक है, तो सर्टिफिकेट भी आप साथ में कैरी करेंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, अपना कैरी करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसको भी कैरी करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सभी डिटेल्स होती हैं, और इसको क्या करेंगे, आप दो सेट फोटोकॉपी करवा लेंगे, और ये आपका 2 से 3 पेजों का होगा, जिसमें आपका जो भी इंस्टीट्यूट या डाइट आपने चॉइस की होगी वो भी आपको शो होगी। ये 4 पेजों का इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने प्राइवेट डाइट भी इंस्टीट्यूट चॉइस किया होगा, तो उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है। इसके बाद देखिए ये आपकी फ़ीस स्लिप है, फीस स्लिप मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है। आप अपनी आईडी पे जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट आपका नाम आया होगा, जैसे आपका मोतीबाग इंस्टीट्यूट या टेक्निया इंस्टीट्यूट में नाम आया, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिखाई देगा, तब आप क्या करेंगे, फ़ीस को पेमेंट करेंगे। फ़ीस कितनी होगी आपकी, 1800 रुपये, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1800 रुपये और प्लस में 250 रुपये जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के समय में फॉर्म फिलअप करते हुए जो है पेमेंट किया था, वो दोनों साथ में आपकी स्लिप निकलेगी, ठीक है। ये 1800 रुपये आप तभी पे करेंगे जब आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो ये 1800 रुपये आप पे नहीं करेंगे, ठीक है, और इसकी दो फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा। इसके बाद है ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर, ये जो है उस इंस्टीट्यूट द्वारा जो है जिसमें आपका नाम आया है उसके द्वारा जो है आपके एप्लीकेशन में सेंड किया जाता है, तब आप लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मेरे सिस्टर का 3rd राउंड में नाम आया था, इसमें ये भी डिटेल दी होगी, सभी डिटेल्स दी होंगी कि कौन से कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपका नाम आया है, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट में आया है, इसके अलावा कौन से राउंड में आपका नाम ये आया है वो भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, और फीस वगैरह जो है पेमेंट करने के लिए भी आपको शो होगा कि कितनी फीस आपको पे करनी है अगर आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है, ठीक है।
तो ये अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, इस तरीके से आपका डाउनलोड होगा। मैंने ये सभी पेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान समझ सके इसे इजी तरीके से, क्योंकि वर्बली अगर बताया जाता है तो नहीं समझ में आता उतना, लेकिन आप जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सभी चीज़ें। और इसके साथ ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये खाका है बस, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपको इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे कि आपको क्या लिखवा के लेके आना है। जैसे VDIT इंस्टीट्यूट में जब जब एडमिशन हो रहा था एक बच्चे का, तो उसको जो है कुछ लेटर दिए गए थे लिखवा के लाने के लिए। वो साइबर कैफे गया, उसको प्रिंट आउट या लिखवा के लेके आया। उसके बाद मैं MBBS डॉक्टर के पास गया, तब उसने अपना जांच वगैरह करवाया, उसके बाद उस डॉक्टर ने उस पर साइन किया था, ठीक है। तो ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। और इसके साथ ये इम्पोर्टेंट पेज है सीट फ्रीज का। सीट फ्रीज आपको नहीं पता होगा, जब आप एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में और आपका सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप चाहते हैं कि आपका अगले जो है राउंड में नाम ना आए, तो इसके लिए क्या करते हैं कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी सीट को फ्रीज कर दीजिए, जिससे कि आपका अगली जो है राउंड में जो है आपका नाम ना आए, ठीक है। तो सीट फ्रीज एंड फ्लॉट का कॉम्बिनेशन होता है। फ्लॉट मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने नाम को अगली लिस्ट में चाहते हैं कि मेरा नाम अगली लिस्ट में आए, ठीक है। तो इसके लिए सीट को जो है फ्लॉट किया जाता है, और फ्रीज होता है कि आप जो है अस्थायी रूप से सीट को जो है बंद कर रहे हैं कि मैंने एडमिशन ले लिया है। तो इसके लिए जब आप एडमिशन का प्रोसेस आपका होगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीट को मैंने फ्रीज करवा दिया था जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो गया था, ठीक। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका था 10th क्लास की मार्कशीट और उसकी 2 फोटोकॉपी। इसके साथ आपका 10th क्लास की मार्कशीट और प्लस में सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी जरूरी है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो ले लेंगे, उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसको ले लेना है और उसकी 2 फोटोकॉपी। इसके साथ आपका फ़ीस स्लिप, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 1800 रुपये पे करेंगे और उसकी फ़ीस स्लिप भी निकलवा लेंगे, और अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे तो आप फ़ीस स्लिप जो है 250 रुपये वाली बस अपने पास रखेंगे। इसके अलावा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आगे है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कुछ कॉलेज में जो है मदर एंड फादर की फ़ोटोज़ भी मांगी जाती है, तो वो भी आप रख लेंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ कॉलेज जो है रिकमेंड करते हैं कि हमें जो है इस प्रकार से या अलग प्रकार से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं तो स्पोर्ट्स का कोटा, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट वगैरह, और स्कूल से लिखवा के भी लाना है कि जो है आप उस स्कूल में पढ़ते थे, कौन से साल में पढ़ते थे, ठीक है, और कौन सी क्लास में थे और कहाँ पर आप खेलने के लिए गए थे, ये सभी डिटेल्स, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आपके एडमिशन के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।